स्मार्टफोन एडिक्शन, क्या आपने कभी अपने आप से प्रॉमिस किया है कि इस बार चीजें डिफरेंट होंगी, इस बार मैं कंसिस्टेंस रहूंगा, मैं जल्दी उठूंगा, पढ़ाई करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, और उसके कुछ ही घंटों बाद आप ये कर रहे होते हो? क्या आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब स्क्रॉल कर लिया लेकिन एक चीज नहीं की, और वो है पढ़ाई? अगर आपके साथ भी पढ़ते वक्त ऐसा होता है तो कुछ यूनिक और प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके फोन और डिस्ट्रैक्शन की को बीट करने में हेल्प करेंगे। नंबर वन, ब्लैक एंड व्हाइट मोड का यूज करें। देखो, एंड्रॉयड और iOS दोनों में ये ऑप्शन होता है कि आप अपने फोन के डिस्प्ले को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में या ग्रे सर्कल मोड में चेंज कर सकते हो। इस फीचर से इन कलरफुल एप्स की विजुअल अपील खत्म हो जाती है, तो आपको नोटिफिकेशन और स्क्रॉलिंग उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, इसलिए इससे आपका लेस एडिक्टिव बन जाता है। नंबर टू, फोन पर अपना स्क्रीन टाइम ट्रैक करो। किसी भी मेजर लाइफस्टाइल चेंज के लिए फीडबैक रखना बड़ा जरूरी होता है। आप डिसाइड करो कि आपके लिए कितनी देर का सोशल मीडिया ब्रेक रिंसिबल है, आधा घंटा, एक घंटा, जो भी आपको लगता है, और फिर डिफरेंट फोकस एप्स की एप्स की मदद से आप अपने लिए एक स्क्रीन टाइम गोल बनाओ। कई फोन्स में इनबिल्ट ऑप्शन होता है जिससे आप डिफरेंट एप्स की यूसेज ट्रैक कर सकते हो, और आपने कितनी देर इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे टाइम खर्च किया, इन सब की आपको डेली और मंथली के बेस पर पूरी रिपोर्ट मिलती है। तो अगर आप वापस ओल्ड पैटर्न फॉलो करने लगो, तब कम से कम आप उस चीज का ट्रैक रखोगे तो आपको पता रहेगा कि आपका सारा समय कहां खर्च हो रहा है, और फिर आप अपनी प्रायोरिटीज को शिफ्ट करोगे। ठीक है। नंबर तीन, फोन को दिन में एक बार चार्ज करो। अगर आपको पढ़ते वक्त फोन की जरूरत नहीं होती तो ये ट्रिक आपके लिए है। आपके फोन को दिन में सिर्फ एक बार चार्ज करो, प्रोबेबली दिन के एंड में, और उतना ही चार्ज करो जितना कि आपको जरूरत हो। अगर आप उसको 80-100% चार्ज करते हो तो आपको उतना ही चार्ज पूरे दिन के लिए मिलेगा, और आपको उसे वाइजली यूज करना होगा। और एक बार चार्ज खत्म यानी वो फोन बाकी बचे दिन के लिए बंद रहेगा। तो इस टेक्निक से आपका फोन यूसेज आपके पास लिमिटेड हो जाएगा। नंबर फोर, नोटिफिकेशंस। आपको हर एक लाइक, हर एक मैसेज या हर एक सेल के बारे में अलर्ट होने की जरूरत नहीं है जनाब, और ना ही उसे उसी वक्त चेक करने की जरूरत है। इसीलिए आप उन एप्स के नोटिफिकेशन को बंद कर दें जो डिस्ट्रैक्टिंग और अननेसेसरी है। जितने कम नोटिफिकेशंस होंगे उतना कम आप अपने फोन को चेक करोगे। नंबर पांच, बात करने के लिए कम तरीका। यानी डिसाइड करो कि लोग आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे लाइफ का एक सबसे अच्छा डिसीजन यही है कि मैंने अपने लिए एक कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म लिमिटेड रखे हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मैसेंजर, फेसबुक, लिंक्डइन, ड्यूओ, जूम और पता नहीं क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग से बात करने के लिए। लेकिन मैं खुद को सिर्फ चार मीडियम तक लिमिटेड रखता हूं, कॉल, ईमेल, टेक्स्ट और व्हाट्सएप। इसीलिए मुझे 20 डिफरेंट एप्स के इनबॉक्सेस 50 टाइम चेक करने की जरूरत नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग मुझे इंपॉर्टेंट हैं वो मुझे इन्हीं चैनल्स के थ्रू अप्रोच करेंगे। तो आप भी अपनी जिंदगी में बेमतलब की और अराजकता से बचने के लिए ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सिक्स, पढ़ते समय फोन का यूज ना करें। देखो, जिस तरह से लोग मंदिर में
लोग चप्पल पहनकर अंदर नहीं जाते ना, वैसे आप भी अपनी पढ़ाई के मंदिर में अपना फोन लेकर के मत जाओ। अगर पढ़ाई के लिए फोन जरूरी हो तब आप अनवांटेड एप्स को ब्लॉक या लॉक कर सकते हो, लेकिन अगर फोन अवॉइडेबल है तो उसे दूसरे रूम में ही रखो। इससे आपको बार बार फोन को चेक करने की अर्ज नहीं होगी और किसी के मैसेज या कॉल से आप डिस्टर्ब भी नहीं होगे। नंबर 7, अलग अलग जीमेल का यूज करो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप दो डिफरेंट अकाउंट्स यूज करो, एक स्टडी और वर्क पर्पस के लिए और दूसरा एंटरटेनमेंट के लिए। तो इससे आप अपने फोकस टाइम को, अपने फ्री टाइम को सेपरेट कर पाओगे। अगर पढ़ते वक्त आपको ब्रेक लेने का मन करे और आपको यूट्यूब यूज करना हो तो आप अपना स्टडी अकाउंट यूज करो। इससे आपको वैसे ही सजेशन आएंगे जो आपको पढ़ने के लिए और मोटिवेट और इंस्पायर करेंगे। तो अल्टीमेटली इससे आप डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय और ड्रिवेन फील करोगे। तो ये थी जी कुछ टिप्स जो आप पढ़ते वक्त खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हो। ठीक है।